अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्टडी हब। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 9। इससे पहले मैं जितनी भी वीडियोस बना चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर्स दे चुकी हूँ, इसमें कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसके मैं आपको पार्ट्स को आ चुकी हूँ थर्ड। अब हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें टेन थीटा माइनस वन ओवर थ्री एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट, जो किस में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो सेकेंड में लाई कर रहा है। पहले हम क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये हमारे पास है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला। अब इसमें जो सेंट्रल लाइन है वो आर है। फिर आपने क्या देखना है कि इसमें जो वाई एक्सिस है, ये वाई है, ये हमारे पास आर है और ये हमारे पास है एक्स एक्सिस है। अब इसमें आपको दिया गया है टेन। टेन में आपको जो वैल्यूज गिवन होती हैं, मतलब टेन थीटा जो होता है वो वाई ओवर एक्स होता है। मतलब आपके पास जो वाई ओवर एक्स है वो गिवन है। मतलब वाई की वैल्यू आप कह लें कि वाई आपके पास वन है और एक्स आपके पास क्या है, वन लिख लें, और जो एक्स है वो माइनस थ्री लिख लें। हमने यहाँ पे आर फाइंड करना है, और आर बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र। एक्स स्क्र हमने और वाई स्क्र दिया गया है। एक्स आपके पास क्या है, माइनस थ्री का स्क्र, प्लस वाई आपके पास क्या है, वन का स्क्र एंड आर स्क्र। ये नाइन प्लस वन आर स्क्र और ये टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्र। अब दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आर की वैल्यू क्या आएगी, स्केयर रूट टेन आएगी। अब प्लस माइनस हम इसलिए आर ऑलवेज पॉजिटिव, आर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ना ही ये प्लस का होगा ना ही ये माइनस का होता है, तो हम इसे पॉजिटिव ही रहने देंगे। अब हम जो क्वाड्रेंट ड्रा किया है वहां पे हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। आर हमारे पास क्या आया, स्केयर रूट टेन आ गया। वाई आपके पास क्या आ रहा है, वाई इक्वल टू वन आ गया, और एक्स आपके पास स्केयर रूट सॉरी माइनस थ्री आ गया, सिंपल माइनस थ्री। हम वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। पहले ये वैल्यू आपके पास क्या है, टेन थीटा, जो टेन थीटा आपके पास है माइनस वन ओवर थ्री। अगर हम इसका कॉट थीटा कर दें, कॉट थीटा करें सॉरी कॉट थीटा कर दें, तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू थ्री ओवर माइनस वन, जो आपके पास आएगा माइनस थ्री के इक्वल। अब हमारे पास आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, वाई ओवर आर, मतलब वाई ओवर आर, वाई आपके पास क्या है वन और आर आपके पास क्या है स्क्वायर रूट टेन। इसी तरीके से सीकेंड का जो इन्वर्स होता है सॉरी साइन का जो इन्वर्स होता है वो कोसेकेंड थीटा होता है। कोसेकेंड की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट टेन ओवर वन आ जाएगी, जो कि स्क्वायर रूट टेन होगी। इसी तरीके से अगर आपके पास आ जाता है लास्ट में कॉस थीटा, वो आपके पास कॉस थीटा होगा एक्स ओवर आर। एक्स आपके पास क्या है, माइनस थ्री, आर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट टेन। इसी तरीके से इसका इन्वर्स ले लें, वो सीकेंड थीटा होगा। सीकेंड थीटा आपके पास आएगा स्क्वायर रूट टेन ओवर माइनस थ्री। या आपने इसकी सिक्स वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड को ड्रा करना है, कोई भी इशू आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।